दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बादशाही मस्जिद का विजिट करेंगे और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे। इस सफर के दौरान मेरे चंद दोस्त भी मेरे साथ थे, जिनमें तारिक हुसैन, अरशद बहा और जीशान हुसैन शामिल हैं। मैं पहली दफ़ा लाहौर गया था और इस दौरान मेरे इन दोस्तों ने मुझे बादशाही मस्जिद दिखाने का एहतमाम किया। दोपहर में हम जिस वक्त बादशाही मस्जिद पहुँचे तो उस वक्त मुकामी लोगों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी मौजूद थे। यही गेट है भाई, एक ही गेट है मस्जिद। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ यार, चलो तो आइए बादशाही मस्जिद के अंदर चलते हैं। दोस्तों बादशाही मस्जिद की अगर मुख्तसरन तारीख की बात करूं तो यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1671 को बनाने का फैसला किया था और 2 साल के अंदर ये मस्जिद बनकर मुकम्मल हो गई थी। बादशाही मस्जिद की तामीर के लिए खसूसी तौर पर लाल रंग के पत्थर और मार्बल भारत समेत दीगर हिस्सों से लाया गया था। बादशाही मस्जिद में 8 मीनार हैं और 3 गुंबद हैं। एक मीनार 176 फीट बुलंद है। बादशाही मस्जिद की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। जब मुगल दौर को सवाल हुआ तो बादशाही मस्जिद सिख सल्तनत और बरतानवी राज में फौजी छावनी के तौर पर भी इस्तेमाल की गई। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।